Hello everyone, I Rohan Sharma welcome you to RS Learning. Now, continuing with our chapter Consumer Rights, last video में हमने देखा था कि COPRA या फिर Consumer Protection Act हमें क्या-क्या rights देता है. आइए इन rights थोड़ा detail में पढ़ते हैं. Starting with right to safety. While using many goods and services, we as consumers have the right to be protected against the marketing of goods and delivery of services that are hazardous to health. मतलब हमारे पास ये राइट है कि हम प्रोटेक्टेड रहें, हमारी लाइफ एंड हेल्थ सही रहे इन केस हम कोई ऐसा गुड यूज कर रहे हैं जो हमारी हेल्थ या लाइफ पे कोई इफेक्ट डाल सकता है. इसी रीजन से आपने कई बार देखा होगा कुछ प्रोडक्ट्स पे वार्निंग या फिर डायरेक्शंस फॉर यूज जैसी चीजें लिखी होती हैं. प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें एंड गवर्नमेंट एजेंसीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं. बट इन आर कंट्री नॉट ऑलवेज आर दीज फॉलोड. क्यों? बिकॉज ईदर द रूल्स विच आर मेड आर वे टू वीक, जो उनके सुपरविजन के लिए रूल्स बने हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, या फिर कंज्यूमर मूवमेंट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ इन आर कंट्री. अभी तक कंज्यूमर मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारी कंट्री. Now talking about the right to information about goods and services. जब भी हम कोई commodity, कोई product खरीदते हैं तो हम कई बार देखते हैं उसके ऊपर कुछ details दी होती हैं, like date of manufacturing, MRP, expiry date, उसके contents, उसके अंदर है क्या क्या, कहाँ बना है, etc. अब ये सारी information क्यों दी होती हैं, वहाँ given क्यों होती हैं? Because we as consumer, हमारे पास ये right है कि हमें पता हो कि हम क्या use कर रहे हैं, उस जो हम use कर रहे हैं उसके अंदर है क्या क्या. We have this right to be informed about the particulars of the goods and services which we are using. अगर कभी product हम जो खरीद रहे हैं वो defective निकले, then we can even complain and protest and ask for replacement or compensation if any loss is incurred because of it. Consumer can protest even if they find कि जो good उन्होंने खरीदा है वो overpriced हुआ है या फिर MRP से ज़्यादा बेचा गया है. In October 2005, the government of India enacted a law particularly known as the RTI Act, which ensures citizen of all the information about the functions of government departments. Now talking about the right to choose. Agar any consumer who receives a service in whatever capacity, regardless of age, gender and nature of service, has the right to choose. Uske paas ye right hai ki usne kya khareedna hai, kya nahi khareedna, कोई गुड है और कोई सर्विस हो तो वो उसकी मर्जी होती है क्या लेना चाह रहा है और क्या नहीं लेना चाह रहा. कोई भी प्रोड्यूसर उसको फोर्स नहीं कर सकता. बट मेनी अ टाइम इट इज सीन दैट अ पर्सन इज फोर्स टू बाय थिंग्स दैट ही मे नॉट विश टू बाय एंड इज नॉट लेफ्ट विद एनी चॉइस. कई बार देखा गया कि उस बंदे को फोर्स किया जाता है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा, जो हमारा राइट टू चूज के बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल खिलाफ जाता है उसके. Now talking about the right to seek redressal. Consumers have the right to seek redressal against unfair trade practices and exploitation. किस तरह की exploitation ये हमने first video में बात की थी. अगर कोई consumer किसी भी तरह का damage उठाता है then he can also claim for the compensation depending upon the degree of damage. उसको कितना damage हुआ है उसके हिसाब से वो claim कर सकता है अपना compensation. बट इसके लिए उसके पास रिक्वायर्ड प्रूफ्स होने चाहिए जो ज़रूरी होते हैं, लाइक कैश मेमोज, इनवॉइसेस एंड अदर रिलेटेड प्रूफ्स विद हिम. द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लोकली नोन एज कंज्यूमर फोरम्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स. कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स काफ़ी जगह बने हुए हैं जो कंज्यूमर मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं. They guide a consumer कि केस कैसे फाइल किया जाए कंज्यूमर कोर्ट में. They also represent that individual in the consumer courts. कंज्यूमर कोर्ट में केस करना कैसे है, उसको फाइल कैसे करना है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है. इनफैक्ट कई बार कंज्यूमर को रिप्रेजेंट भी करती है ये कंज्यूमर फोरम्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स. सो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल है आज के टाइम पे कंज्यूमर फोरम्स या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का.
Under COPRA, a three-tier quasi-judicial machinery has been set up. एक three-tier quasi-judicial machinery setup की गई है कहाँ कहाँ district level पे, state level पे and central level पे for the redressal of consumer disputes. उनके disputes, consumer के disputes solve हो सके, उनको solution मिल सके, इसलिए तीन levels पे ये machinery setup की गई है. अब जो district level पे court है वो उन केसेस में डील करता है जहां आपका क्लेम 20 लाख तक का हो. वेयर द क्लेम इज अप टू 20 लाख, इन दैट केस द डिस्ट्रिक्ट लेवल सीज इट. द स्टेट कोर्ट डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स फ्रॉम 20 लाख टू 1 करोड़. जब भी आपका क्लेम 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का होगा तो स्टेट लेवल में आपका केस भेजा जाएगा. एंड जो उससे ऊपर का कोर्ट है दैट इज नेशनल लेवल, द नेशनल लेवल कोर्ट डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स exceeding rupees 1 crore. जब भी आपका केस में जो क्लेम है वो 1 crore से ज्यादा का होगा तो आपको नेशनल लेवल पे जाना होगा. ऑल्सो अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप स्टेट में जा सकते हैं, स्टेट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप नेशनल लेवल पे जा सकते हैं. दिस एक्ट हैज एनेबल्ड द कंज्यूमर टू हैव द राइट टू रिप्रेजेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट. लास्ट राइट दिया गया है राइट टू रिप्रेजेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी एश्योरेंस. नाउ हाउ टू गेट इंश्योर्ड कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो सर्टन क्वालिटी मीट करता है, सर्टन स्टैंडर्ड्स मीट करता है. सो देयर आर सर्टन लोगोज एंड सर्टिफिकेट्स जो कंज्यूमर को हेल्प करते हैं टू बी अश्योर्ड ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गुड्स दे आर परचेजिंग. अब इस सर्टिफिकेट से लोगो सिर्फ उन कंपनीज या उन प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं जो इन गिवन स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं. कैसे कैसे लोगोज या कैसे कैसे आपके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपने कई बार देखा होगा खाने की चीजों पे FSSAI. अगर आप लेस का पैकेट या अंकल चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, वेफर्स का पैकेट खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक FSSAI का लोगो होगा. वो सिर्फ तब दिया जाता है व्हेन इट इज अश्योर्ड कि जो आप फूड क्वालिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है. एक होता है एग मार्क दैट इज गिवन फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड वन इज ISI विच इज गिवन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. Now coming to the last topic, taking the consumer movement forward. India has been observing 24 December as the National Consumer Day because isi din pe Indian Parliament mein Consumer Protection Act ko enact kiya gaya tha. Consumer Protection Act ko laya gaya tha. Kab? 24 December 1986. Consumer movement awareness is spreading but slowly in India. Consumer movement spread to ho rahi hai, awareness spread to ho rahi hai but kafi had tak स्लो है अभी भी हमारी कंट्री में. द मूवमेंट कैन बी इफेक्टिव ओनली विद द कंज्यूमर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. कब अच्छे से हो सकती है, सिर्फ तब जब हमारे कंज्यूमर्स खुद आगे आएंगे और इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व करेंगे, सिर्फ तब हमारे कंज्यूमर मूवमेंट और आगे जा सकती है. सो स्टूडेंट्स द चैप्टर एंड्स हियर ओनली. आई होप आपको समझ आया होगा एंड इट इज क्लियर टू यू नाउ. Please subscribe to our channel for more such videos. Till the next video, keep watching, keep learning. Thank you.